किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बसंतकालीन मूंग की बुआई का लगभग हो चुकी है। बसंतकालीन में मूंग की बुआई हम सरसों और आलू के बाद करते हैं। अब इसकी फसल के देखरेख का समय है। हमें इस समय सफ़ेद मक्खी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर भी हमें कीट दिखाई पड़ते हैं तो हमें तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशकों में प्रमुख है इमिडा क्लोरोपिड। इसका छिड़काव हम 0.2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। उसके अलावा हम चूँकि फसल शुरुआत के दिनों में लगभग 30 दिन तक धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए फसल का खरपतवार के साथ कंपटीशन रहता है, तो शुरू के 30 दिनों में हमें फसल की ठीक से निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली निराई गुड़ाई लगभग बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए। निराई गुड़ाई के उपरांत हमें कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। हमें प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाहिए। अगर जब हमें एक आध दो कीट दिखते हैं तभी स्प्रे कर देना चाहिए। जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तब समुचित पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लावरिंग के समय जब फूल आते हैं और जब फल बनते हैं तब भी विशेष रूप से हमें कीड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और छिड़काव करना पड़ेगा। जहाँ तक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली मूंग का सवाल है, उसके लिए अब पूसा संस्थान ने एक नई वैरायटी निकाली है, पूसा 1641। बुआई लगभग 15 अप्रैल तक की जा सकती है। बुआई के लिए हमें 20 से 25 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए होगा। सीड को बुआई से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए बेविस्टीन, थिराम या कैप्टान से। ट्रीटेड सीड को हमें लाइनों में पंक्तियों में बोना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है मूंग में। और ग्रीष्म में मूंग को वहीं बोया जाएगा जहां पानी की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि एक तो हमें पहले प्री सोइंग इरीगेशन, जिसको पलेवा कहते हैं, वो देना पड़ेगा। पलेवा करने से हमारा बीज दर, जो भी हम बीज लगाते हैं, उसका समुचित जमाव होता है और पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर में जितनी होनी चाहिए उतनी रहती है। उसके बाद फिर पानी हमें देना पड़ता है 20 से 25 दिन पे। उसके बाद फिर अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो नीड बेस दो पानी देने पड़ते हैं, कभी कभी तीन पानी भी देने पड़ेंगे अगर टेम्परेचर 40-42 डिग्री हो जाएगा। आजकल जो हम प्रजातियाँ बोते हैं वो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं एक साथ ही, तो एक साथ उनकी कटाई होकर उन्हें धूप में सुखाया जा सकता है।